सुसाइड का पूरा, जैसे ही वर्ड खत्म हुआ था ना, तो मम्मी के जो आंसू देखने वाले थे, और मुझे लगा मैंने इतना बड़ा वर्ड बोल दिया। सो मेरे फादर मुझे उस लेवल पे सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे थे, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने वो बाइक बेच दी है जस्ट बिकॉज मेरी फीस देने के लिए। वही कब जब मैंने किसी और को घर में दिखाया था ना, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है कि ऐसी शील्डें तो बाजार में बहुत मिलती हैं। बट 70 kg में मेरा गोल्ड आया, फर्स्ट आया मैं। तो 21 साल की उम्र में आप ऑलरेडी मिस्टर इंडिया बन गया था। सर, इट इज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन स्टोरीटेलर। थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। और इट्स माय प्लेजर दैट आई एम सिटिंग विद मिस्टर वर्ल्ड 2015 टुडे। थैंक्स सर। आई हैव हर्ड एंड रेड अ लॉट अबाउट यू, लेकिन मैं ज़्यादा जो मैं ढूंढ रहा था कि आई वांटेड टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, योर ग्रोइंग अप, वो मुझे ज़्यादा कहीं मिल नहीं पाया। तो आई वांटेड टू नो मोर अबाउट दैट, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई। आप सहारनपुर से हो, आई नो दैट, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत कहाँ से हुई? और क्योंकि मैं भी जिम जाता हूँ थोड़ा बहुत, तो आई नो कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू बिल्ड अ बॉडी एंड हाउ टू डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मेंटेन इट। So yes. I want to start from there. So start तो जिस दिन से मैं पैदा हुआ था उसी दिन से हो गया था। सो 25 दिसंबर 1982 को मेरा जन्म हुआ सहारनपुर में। और as being 25 दिसंबर को सब बोलते हैं बड़ा दिन होता है। सो मेरी मॉम, जब मैं 7-8 साल का ही था, थोड़ी चीज़ें समझने लगा था ना, तभी बोलती थी कि तू पता है बड़े दिन को पैदा हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी ये बड़ा दिन क्या होता है? सो देन शी टोल्ड मी अबाउट कि 25 दिसंबर जो होता है ना, उस दिन से जो टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ डे थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, एंड बहुत लोग लकी होते हैं जो 25 दिसंबर को पैदा होते हैं। उस दिन से माइंड में कुछ क्लिक किया था कि कुछ ना कुछ तो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँगा। इट्स जस्ट मैं, और टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो भी काम किया ना अपनी लाइफ में 100% मोटिवेशन और 100% डेडिकेशन से किया है, चाहे वो मेरी एजुकेशन हो, बॉडी बिल्डिंग हो, या लोगों को इंस्पायर करना हो उनकी जर्नी के लिए, चाहे वो कुछ भी बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो माय फादर ने शुरू से ही यही करा था कि सहारनपुर में ना थोड़ा बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ना, सो वहाँ पे एजुकेशन उतना नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में, जो कि पंजाब में है नवा शहर में, दैट्स अ वेरी गुड स्कूल, दैट्स कॉल्ड कृपाल सागर अकेडमी, सो उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट करा दिया। और मैं वहाँ पे गया था 7th class में। तो सहारनपुर से पंजाब इतनी दूर? एक्चुअली सहारनपुर से पंजाब इसीलिए कि मेरे फादर के एक फ्रेंड थे, उनका बेटा सेम स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। सो वन फाइन डे वो उनको मिले, तो उन्होंने बोला कि बेटा नहीं दिखा काफ़ी दिन से, उन्होंने कहा मैंने उसको हॉस्टल भेज दिया, इट जस्ट बिकॉज यहाँ का ना एटमोसफेयर थोड़ा ठीक नहीं है। उस टाइम मेरे फादर भी स्ट्रगलिंग स्टेज पे थे, और टू बी वेरी फ्रैंक उस टाइम मेरे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। बट उन्होंने बिना सोचे समझे उनको बोल दिया कि कल हम चलेंगे एक बार हॉस्टल देख के आएंगे। और दोनों में से, इधर मी और माय यंगर ब्रदर, दोनों में से एक को तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भेजना, बट मेरा छोटा भाई थोड़ा पढ़ने में वो था कि यतिंदर जो है ये पढ़ाई अच्छी कर लेगा, तो इसको भेजना हमारे लिए फिर वही बात सिक्योर रहेगा। द वन फाइन डे एक ट्रक था और उसमें कुछ लोहे का सामान था, और हम मैस में जा रहे थे। तो मैंने बोला यार ये ट्रक में क्या है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ट्रक क्यों आया क्या है। तो किसी ने, मेरे सीनियर था एक लड़का था और दिस वेरी गुड गाय, सो उसने बोला ये जितने भी हमारे जो प्लेयर्स हैं ना अच्छे लेवल वाले जो यहाँ से स्टेट खेलते हैं उनके लिए जिम आया। अच्छा। और मैंने जिम का नाम तब पहले सुना था। मैंने कहा अच्छा जिम, और मैंने कहा यार ये तो बहुत सही बात है। तो क्योंकि ना ग्राउंड प्रैक्टिस करते करते ना थक भी चुके था शरीर ना, अब शौक होता था मशीनों पे एक्सरसाइज करें, कुछ तो, नया करें, कुछ नया करें। तो ये होता था कि शाम को आफ्टर लंच 2 घंटे का स्लीपिंग वो होता था, उसके बाद 1.5 घंटे आप स्पोर्ट्स करो, जिम जाओ, ये करो वो करो। बट मैंने कहा चलो, जिम सेटअप हो गया 2-3 दिन में। एंड मैंने वो जब जिम के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था, उस नोटिस पे मैंने पढ़ा कि जूनियर्स आर नॉट अलाउड टू डू जिम हेयर, और एज बीइंग वहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं था, कोच नहीं था, कि सेल्फी करनी होती थी एक्सरसाइज। सो
और उन्होंने एज क्राइटेरिया कुछ नहीं रखा था, बट उन्होंने कहा था 10th के अबव जितने भी स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं, और मैं तब आ गया था 8th क्लास में. सो अब अंदर जाए बिना भी नहीं रह सकता, बट नोटिस बोर्ड पढ़ के रूल ब्रेक करना भी वो लगता था यार रूल तो ब्रेक मत करो. सो मैंने कहा पर कौन देख लेगा, तो जा मैं अपना अंदर गया, एक्सरसाइज शुरू करी थोड़ी, इधर पुली वुली खींची, आता नहीं था हालांकि, पर खींचनी शुरू कर दी जैसे भी मेरे से खींची. बस वही था मेरा द डे जो था ना मेरा अच्छा नहीं था. सो वार्डन ने पता नहीं कैसे देख लिया, और जो हमारे वार्डन थे ये केरला से थे और बड़े स्ट्रिक्ट थे. अच्छा. और उनका स्ट्रिक्ट होने का रीज़न आज एज ए बीइंग अ टीचर, अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ या आज मैं भी एक्सरसाइज कराता हूँ, मुझे लगता है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, मैं ही गलत था. उन्होंने देख लिया, उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा. उन्होंने पता नहीं कहाँ से उनके हाथ में एक स्टिक आ गई. अच्छा. वो जिम में गए और मैं वो पुली खींच रहा था, तड़ा तड़ तड़ा तड़ जो मेरे लगी ना. अच्छा. सो मुझे वो भी याद है कि उससे पहले मेरी किसी ने ऐसी पिटाई तो नहीं करी. घर पे भी? घर पे तो बहुत दूर की बात है, मतलब घर पे तो हमें इतना प्यार मिला ना बहुत ज़्यादा, मम्मी से डैडी से. मारा किसी ने नहीं आज तक, डैड ने कभी एक आधा मार दिया होगा गुस्से में, पर उसने तो इतना मारा ना. अच्छा. तो मुझे लगा कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या. अच्छा. इतना इतना, इतना मारा. अच्छा. और इतना मारने में मारते मारते मुझे हॉस्टल. अच्छा, उनका मारने का रीज़न ये था कि जो बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं वो कल को ये हिम्मत ना करे जिम में जाने की. तो वो एक एग्जांपल सेट, एक एग्जांपल सेट करना चाह रहे थे क्योंकि नया जिम बना था. अब मैं तो भैया एग्रेशन से भर गया, बट वार्डन को कुछ कह नहीं सकता. और मैं मतलब मेरे उस टाइम ऐसा भी हो गया था कि निशान पड़ गए. अच्छा. और मैं इतना खुश था उस स्टिक के. हाँ, मैं इतना खुश था उन निशानों को देख के कि दिस इज अ प्रूफ जो मैं अपने फैमिली को दिखा सकता हूँ. तो मैंने तो तभी वही 7 से 8 हमें एक फ़ोन कॉल का मिलता था. मैंने फ़ोन करा, मैंने डैड आप कल आ सकते हो. कह रहे क्या प्रॉब्लम है. मैंने कहा आप आ जाओ. तो वो आए तो मैंने कहा जी ये देखो ऐसे ऐसे मुझे मारा है, मैं जिम गया था. बट वार्डन को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि उसने गलती तो करी है, कि समझा देते नहीं मारते इतना ना. बट मेरे लिए भी ठीक था वो पिटाई या उनके लिए, क्योंकि आप माजा एस्केप ढूंढ रहे थे. बट हाँ, बेसिकली क्या है, वो जो भगवान ने लिख दिया ना वो तो होके रहेगा. सो उसमें कोई गलत सही नहीं होता, सब सही के लिए ही होता है. तो मेरे फादर भी ये देख के तो बड़ा हैरान हुए कि यार हमने बच्चों को यहाँ भेजा था अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और कुछ अच्छा बनने के लिए. पिटने के लिए कौन भेजेगा यार अपने बच्चों को. और एज ए बींग आज मैं एक फादर हूँ, मैं तो अपने बच्चे के कोई एक थप्पड़ में मार दे क्यों, जब मैंने ही नहीं मारा 3 साल में. और मेरा बेटा ऐसा कोई गलत काम भी नहीं करेगा. तो सेम उनके रिएक्शन थे कि यार जिसको आज तक 15 साल की उम्र में मैंने नहीं मारा, एक अनजान आदमी ने इतना कैसे मार दिया. तो उन्होंने बोला कि निशान पड़े. सोने का कोई बात नहीं, हम इसको ले जाते हैं, बट हम आपके इस खिलाफ एक केस फाइल करेंगे. आज भी मेरे फादर पे के पास वो वार्डन का सॉरी लेटर पड़ा हुआ है कि आई एम रियली वेरी सॉरी, ये गलती से हो गया, बट इट्स जस्ट बिकॉज, इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए. तो एक उन्होंने वो लिख दिया अपॉलोजी लेटर लिख दिया. वो अपॉलोजी लेटर डैडी ने लेके मुझे समझाया कोई बात नहीं बेटा, देखे ये भी मतलब मैं भी इस सेम एज का हूँ, ठीक है, सोच तेरे फादर ने मार दिया. मैंने कहा कोई बात नहीं. मैं जब विंटर वेकेशन में सहारनपुर आया अपने घर पे, तो मैं अपने एक्चुअली मेरे बड़े भैया भी बॉडी बिल्डिंग करते थे, इज़ अ कज़न ब्रदर ऑफ माइन. सो उनका नाम है वितेंद्र सिंह. अच्छा. सो वो नेशनल चैंपियन रह चुके हैं काफ़ी बार, और एक बार एशिया में सिल्वर भी आया है उनका. अच्छा. ठीक है. सो उनका काफ़ी अच्छा नाम है इस फील्ड में ना. अच्छा. तो मेरे पास कुछ उनकी पिक्चर्स पड़ी थी, वो मैं अपने साथ हॉस्टल में लेके चला गया. और वो लेके आने का एक ही मकसद था कि मैं बच्चों को दिखाऊं और अपने नंबर बनाऊं. ठीक है. सो मैंने वो सुबह जैसे ही बच्चों को दिखानी शुरू करी, ये देखो ये मेरा भाई है. सो जिसने भी देखी ना वो मुझे ये देखता था और फिर बोलता था कि यार तुम्हारे जैसे ना हमने बहुत देखे हुए, जो ऐसे किसी की भी पिक्चर ले आते बोलते मेरा भाई है. अच्छा, टू बी वेरी श्योर, हम ना इतने उससे पले हुए हैं ना, सुनना तो पसंद ही नहीं है किसी का ना. और वो कोई इतना ऐसी अखड़ लैंग्वेज में कोई बोल दे, मुझे तो उसका भी बड़ा हुआ. फिर बहुत रोया मैंने, अपने कहा यार ये तो बेइज्जती होगी. फिर मैंने डैड को फ़ोन करा, मैंने कहा आप वितेंद्र भाई को बोलो कि मेरे से मिलने आए, किसी दिन आ सकते हैं क्या. तो उन्होंने वितेंद्र भाई को फ़ोन करा. वितेंद्र भाई उस टाइम JCT फवाड़ा में जॉब करते थे. अच्छा. और उनकी जॉब लगने का भी ये रीज़न था, एज स्पोर्ट्स बेस पे उनकी जॉब. तो उस दौरान भी वो एक चैंपियन थे. हाँ, उस टाइम तो वो पीक पे थे, मतलब पीक पे थे.
फुल पीक में. सो उन्होंने कहा, और द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे हॉस्टल से फगवाड़ा जो है वो 40 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है. तो वो आ गए. अब गेट से उनका कॉल आया वार्डन के पास कि मैं यतेंद्र का ब्रदर हूँ, तो आप उसको प्लीज़ बाहर भेज दो. तो मैं आया तो उन्होंने यहाँ यहाँ तक की ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज, थोड़े स्मार्ट तो थे, पूरे चिट्टे बाल सारे खड़े, यंकी उनके चश्मा चश्मा लगाया हुआ. तो उस दिन पहली बार मैंने भैया को इतने ध्यान से देखा कि मुझे लगा यार ये तो मतलब दूर से देख के ना लगता है ना यार ये क्या पर्सनैलिटी बनाई हुई है, मतलब जिसके पीछे कोई भी पागल हो जाए. मैंने कहा फिर तो भैया अब आप आ गए हो तो सबसे मिलो आप. तो फिर वो मेरे हॉस्टल में आए. अब हॉस्टल में आने के बाद वार्डन का भी यही इम्पैक्ट था कि ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब हॉस्टल में आना भी एक हॉस्टल के लिए एक मोटिवेशन एटमोसफेयर क्रिएट करने के लिए, जस्ट बिकॉज पंजाब में स्पोर्ट्स की बड़ी वो है, उस टाइम स्पोर्ट्स बड़ा एक्टिव था हमारे इसमें ना. तो उन्होंने कहा ये एक अच्छा वो हो सकता है. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे पूरे हॉस्टल को इकट्ठा किया, पूरे टीचर्स को इकट्ठा किया. तो फिर द डे वो जब मिलने के बाद चले गए, फिर मैं सबके सामने, मैं कुछ रिएक्ट नहीं किया बट ये लगा लो मेरे से कोई कुछ नहीं बोला फिर उसके बाद, मतलब कोई इतना भी नहीं बोल पाया रियली सॉरी यार हमें नहीं पता था तेरा भाई है ये है. बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बट मैं रात को नहीं सोया क्योंकि एज ए बीइंग अ आउटसाइडर मैंने भैया को देखा पहली बार ऐसे ड्रेसअप में ऐसी उसमें. उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन था, जो सामने ऑडियंस का रिएक्शन था या उन हॉस्टल में बच्चों का, टीचर्स का, मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही है. तो आपने जो उस बॉडी का इम्पैक्ट था उन लोगों पे वो ऑब्जर्व किया. हाँ. सो मैं तो नहीं सोया आपको. मैंने कहा यार ऐसा फेम, एक तो मतलब आप दत्त बताएंगे कि आप जब कोई भी स्पोर्ट्स करते हो, लेट अज्यूम मैं अगर एथलेटिक्स भी करता तो जब भी मैं कहीं जाऊंगा ना मुझे बताना पड़ेगा मैं एथलीट प्लेयर हूँ. Exactly. मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं रग्बी खेलता हूँ. बट ये एक ऐसी चीज है जो आप साथ लेके घूमते हो. हाँ. और जब साथ लेके घूमते हो ना तो आपको किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. जैसे आज मैं कहीं भी जाता हूँ जिसको नॉलेज है वो तो बोलता है भैया आप बॉडी बिल्डिंग करते हो. मैंने कहा जी. अब जहां मैं अपने सहारनपुर या आसपास के इलाके में चला जाऊं भैया पहलवानी करते हो, तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो उनको समझ में आ जाता है ये तो या तो पहलवानी करता होगा या ये बॉडी बिल्डिंग करता होगा. बॉडी बिल्डिंग जिनको समझ है, बट जिनको उतने बॉडी बिल्डिंग का लैंग्वेज, मतलब बॉडी बिल्डिंग क्या है बेसिकली नहीं पता, वो उनको पहलवान तो पता है, पहलवान करते हो, पहलवानी करता है, क्या बात है बेटा, बहुत शाबाश, क्या फिजिक बनाई है. तो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. तो उस दिन वितेंद्र पवार को भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी और जो ऑडियंस देख रही थी उनके लिए वो एक अचंभे से कम नहीं था क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा. तो उन जो हॉस्टल में जो गेट से बाहर ही नहीं निकलते उनके लिए तो वो शॉकिंग था, बट उनसे ज्यादा शॉकिंग था मेरे लिए. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, बट 40 किलो वेट है और कभी कोई ऐसी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करी. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मींस व्हेन यू लिफ्ट द वेट टू डेवलप योर मसल, बट हाँ ग्राउंड प्रैक्टिस वेट, मतलब देन अगेन स्टैमिना अच्छा था, स्ट्रेंथ अच्छी थी, एंड्योरेंस अच्छी थी, बट जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो तब पता चलेगी व्हेन यू लिफ्ट वेट. तो अब वो उसके चक्कर में पिटाई हो गई थी. हाँ, और उसके चक्कर में पिटाई होगी वो भी छोड़ दिया. सो बट अब फादर को कैसे बोलूं. सो मैंने कहा अब यार हिम्मत, ये भी हिम्मत है जुटाने की कैसे. बट फिर भी मैंने अपने फादर को बुलाया हॉस्टल में दोबारा. तो मैंने उनको बोला जी जी मुझे ना वो घर वापस जाना है. तो उन्होंने कहा बोला अब क्या हो गया तुम्हें प्रॉब्लम. मैंने कहा जी मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है. तो मेरे मुँह से तब ऐसे निकलेगा मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने ये एज ए बीइंग अ फादर, अगर मैं भी उस स्टेज पे होता मैं भी यही बोलता. मैंने कहा बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाओ, छोटी मोटी कोई नौकरी ढूंढो. टू बी वेरी फ्रेंड मेरी ना आई साइड बचपन से कमजोर है. अच्छा. तो मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं कोई एक ऐसा काम करूं या ड्राइव ज्यादा करना, धूल मिट्टी में रहना, और कुछ ऐसा स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का काम करूं कि मेरी आईज पे और इम्पैक्ट पड़े. तो वो कहते थे बेटा क्या रखा है, अपना पढ़ो लिखो, अच्छे हॉस्टल में तुम पढ़ते हो, हम कैसे ना कैसे करके तुम्हारी फीस पे कर रहे हैं. और बट मुझे नहीं पता था वो कैसे कैसे करके फीस पे कर रहे हैं. बट उस टाइम उनके पास दो एनफील्ड होती थी बाइक. ये बात मैंने ज्यादा शेयर नहीं करी. एक रेड और एक ब्लैक.
अब सोचो जिसके घर में जो दिन में आधा दिन रेड पे घूमता है और आधा दिन ब्लैक पे घूमता है तो उसको कितना शौक होगा। और ऐसे जो रिंग पहनते थे ना सारी उंगलियों में अच्छी रिंग पहनते थे। सो मैं घर आया तो रेड वाली एनफील्ड घर पे नहीं थी, तो मैंने मॉम को पूछा, मैंने कहा मॉम पापा की बाइक कहाँ गई? उन्होंने कहा नहीं नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं थी। सो मेरे फादर मुझे उस लेवल पे सेक्रीफाइस करके पढ़ा रहे थे, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने वो बाइक बेच दी है जस्ट बिकॉज मेरी फीस देने के लिए। सो मैंने कहा अब तो मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं इज जस्ट बिकॉज मैं इतना भी सेल्फिश नहीं बन सकता कि अपनी सिर्फ एजुकेशन के लिए जो पता नहीं कल को मेरे काम आएगी भी नहीं, मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं अपने फादर की जो शौक है वो खत्म नहीं कर सकता। इतनी समझ भी थी मेरे अंदर। मैं वो सुन के मैंने किसी से कोई शेयर नहीं करा, मैं हॉस्टल में आ गया, पर दिन रात मेरे वही बात चलती रही। तो मैंने फिर उन्होंने फादर को बुलाया, मैंने कहा जी मुझे हॉस्टल में तो पढ़ना नहीं है, और तब मैं आ चुका था 9th क्लास में, ठीक है। सो उन्होंने कहा तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है तू? अच्छा वो उनका कहना ये था कि तेरी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं ना कि बस तू पूछ मत। अच्छा वो कहीं ना कहीं परेशानी बैक ऑफ द माइंड, एक तो फाइनेंशियली तो थी, फाइनेंशियली करने के बाद भी घर में ये सुनना कि भेज दिया हॉस्टल में हम भी देख लेंगे कौन सा नवाब बनेगा या क्या आईपीएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनेगा, वो सुनना, उसके बाद जिसको भेजा हुआ है उसकी भी सुननी। तो वो बेसिकली एक इंसान जो चारों तरफ से सुन के भी एक पेशेंस रख के बैठा था किसी तरह ये पढ़ ले मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं अपना हाथ जोड़ू भाई, तो जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं वो जस्टिफाई हो जाए, जस्टिफाई हो जाए। सो मेरे फादर ने बोला कि बेटा पढ़ लो ये हो, मैंने कहा यार ये फादर तो मान ही नहीं रहे किसी भी तरह से ना, मैंने कहा फिर एक काम करो मदर को ब्लैकमेल करो, वो इमोशनल ब्लैकमेल करो, वो ही मुझे यहाँ से निकाल सकती है। तो मैंने मम्मा को भी बहुत समझाया, मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे है यहाँ पे ना मुझे बड़ा लड़के भी परेशान करते हैं ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम तेरे को ले जाएंगे। तो उस टाइम में 9th के समझ लो फाइनल एग्जाम में था, तो उन्होंने कहा तू एक काम कर ले अगर तू मुझे कुछ भी मानता है ना तो 10th यहाँ से कर ले, क्योंकि अब तू वहाँ जाएगा फिर पता नहीं किस तरह के टीचर्स होंगे, बोर्ड वैसे है तो बोर्ड में तू फेल ना हो जाए, तो इसीलिए। सो 10th के एग्ज़ाम हो गए, मैंने मम्मी को बोला मम्मी एज बीइंग आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे 10th के बाद यहाँ से निकाल लोगे, कह रही बेटा 2 साल और नहीं पढ़ सकता क्या? मैंने कहा मम्मी बिल्कुल 2 साल, मैंने एग्ज़ाम पता कैसे दिए हैं बिल्कुल पेशेंस रख के। और मम्मी कह रही नहीं नहीं 2 साल और। मैंने कहा मम्मी बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती थी, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। मैंने कहा आप कल ही आओ, मैं कल का और बेसिकली 4 एग्ज़ाम हो चुके थे। मैंने कहा मैंने लास्ट एग्ज़ाम कैसे दिया मुझे पता है, मैंने मम्मी को बोल दिया मैं एग्ज़ाम में ही नहीं जाऊँगा, अब तुम देखो तो नहीं आओगी तो हाँ अब मम्मी तो मम्मी और डैड तो उसी दिन आ गए। सो ये रात को मेरे पास रुके, तो मैंने डैड को बताया बस मेरा एक एग्ज़ाम और रह गया और एग्ज़ाम के बाद आप मुझे यहाँ से निकाल लेना। तो डैड ने बोला तुम्हारा दिमाग ख़राब है ये वो बहुत बोले बेचारे। सो बोलते बोलते सो गए। अब मुझे तो नींद नहीं आई, मुझे तो ये टेंशन है यार ये तो एग्ज़ाम के बाद फिर यही 2 साल। तो मैंने कहा अब एज ए बींग माँ थोड़ी नरम दिल तो होती है, मैंने कहा इन्हीं को ब्लैकमेल करो। मैंने कहा मम्मी अच्छा एक बात बताओ मैं 11th यहीं करता हूँ 12th यहीं करता हूँ क्या होगा उससे अगर आपका बेटा ही ना रहा? तो कह रही रहा ना मतलब? अब वो तो एकदम थोड़ा ऐसे लेजी उसमें बैठी थी एकदम एक्टिव होगी, रहा ना मतलब? मैंने कहा क्या पता ये लड़के मुझे इतना परेशान करते हैं हॉस्टल में मैं सुसाइड कर लूँगा। सुसाइड का पूरा जैसे ही वर्ड ख़त्म हुआ था ना तो मम्मी के जो आंसू देखने वाले थे और मुझे लगा मैंने इतना बड़ा वर्ड बोल दिया, पर उस माँ से पूछ के देखो जिसने 18 साल तुम्हें पाला है, हाँ 16 साल हो गए तुम्हारे लिए जी है तुम्हारे लिए सोई है तुम्हारे लिए, मतलब उसका तो जिस दिन से तुम पैदा हुए थे हर पल तुम्हारा था। मैंने कहा मम्मी सॉरी ऐसा कुछ नहीं है मैं तो, पर उन्होंने तो डैडी को तभी उठा दिया कि तुम इतने ज़िद्दी इंसान ना मैंने लाइफ में नहीं देखे। अच्छा ऐसे तो तुम इसको सुबह ही करो यहाँ से ना नहीं जो रहना मुझे और मैं तब तक अब यहीं रहूँगी। सो आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा एग्ज़ाम तक 2 दिन मम्मी मेरे पास ही रही है और उनकी सिर्फ एक ही नज़र थी ये कहीं ऐसा ऐसा काम ना कर ले। और मैं मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी इस बात की कि लास्ट एग्ज़ाम देती मुझे घर जाना है। अच्छा
अच्छा, क्योंकि वो तो फुल एंड प्रूफ हो चुका था ना, फिक्स हो गया। हाँ, तो फिर भी लास्ट एग्जाम के बाद मेरे डैड ने मम्मी को बोला, देख तू इतनी समझदार नहीं है, और मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था, बट तुम दोनों अगर एक तरफ हो तो मेरी तरफ तो कोई है नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे से लास्ट डिसीजन पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मुझे तो रहना ही नहीं। मम्मी ने कहा मुझे अपना बेटा चाहिए। डैडी ने कहा फिर उठाओ बोरी इस तरह चलो। तो जी मैंने हॉस्टल छोड़ दिया, और मैंने हॉस्टल में जाने से पहले जिस स्कूल से मैं स्कूलिंग कर रहा था, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल, वहीं पे 11th में आके एडमिशन ले लिया। अच्छा, सहारनपुर में? सहारनपुर में। अच्छा, और सबसे पहले 11th में एडमिशन लिया, और उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। सो उस दिन पहली बार एक हमारा लिंक रोड है सहारनपुर पे, वहाँ पे एक जिम है, तो वहाँ पे एक जिम में ट्रेनर तो बोलना गलत होगा, क्योंकि ट्रेनर वर्ड जो है ना वो बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए जिन्होंने मुझे ये ज़िंदगी दी, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और लोग मिलने आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। सो उसको ट्रेनर कहना एक बहुत छोटा वर्ड होगा। सो वो मेरे लिए एक भगवान की तरह थे, और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि असद नफीस। सो उन्होंने मुझे रॉड पकड़ना सिखाया। सो मैं पहले दिन गया, मैंने कहा सर मुझे एडमिशन चाहिए जिम में। सो उन्होंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल करो। वो वितेंद्र भाई को थोड़ा जानते थे, तो मैंने कहा मैं उनका भाई हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करो बेटा। उन्होंने सबसे बेस्ट पार्ट जो था, सबसे पहली बात ये पूछी, बट तुम्हें एक बात बताओ, एक्सरसाइज करनी ही क्यों है? मैंने कहा करनी क्यों है? तो मैंने कहा आई वांट टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन वन डे। तो उन्होंने मुस्कुराए और मुझे कहा आप एक्सरसाइज करो। तो मैं अपना एक्सरसाइज करने लग गया, बट मेरी प्रॉब्लम एक थी, जो आज सब वी शेप बोलते हैं ना, मेरी बेसिकली ओ शेप थी। ओ शेप क्या होता है? ओ शेप इन द सेंस कि जब आपकी जो कमर है, जो उसकी विड्थ ज्यादा होती है, उसके बाद आपके डेल्टॉइड की, शोल्डर की विड्थ और ज्यादा होनी चाहिए वी टेपर बनाने के लिए। तो सर को ये भी कहीं ना कहीं चिंता थी, यार इसकी तो ओ शेप है, इसको बनाने में तो बहुत वो लग जाएगी मेहनत। बट सर जैसे बोलते थे 500 पुशअप मारने हैं, 2000 स्क्वाट मारनी है, ये मारना है, मैं करता था। और टू बी वेरी फ्रैंक वो जिम जो था ना वो बिल्कुल रगड जिम था, रगड जिम इन द सेंस कि नीचे बिल्कुल मिट्टी थी और ऊपर टीन शेड। तो दोपहर को वो जिम तपता था, 4-5 बजे मैं जब जाता था ना, पंखे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी सहारनपुर में ऐसी थी, पंखे चल रहे थे, तो एक्सरसाइज करने में बाबा रहता वहाँ तो। बट मुझे क्या पता था उसी मिट्टी में से बहुत लोग बने हैं। सो फैसिलिटीज़ के मामले में इतना वो नहीं था, बट जो सर की ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और दूसरा उनकी बिल्ड खुद की आज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, सो अब सर मुझे नहीं पता कि एक्सरसाइज सिखाने के साथ साथ उन्होंने मुझे एक बात और अडॉप्शन कर ली है कि यतिंदर मेरा बेटा है। तो वो मेरे लिए इतनी दुआ मांगते थे, वो भी मुझे बाद में पता चला कि वो दिन में अगर 5 बार नमाज पढ़ते हैं ना, वो सबसे पहले नाम जाके एक ही बात बोलते हैं कि यतिंद्र के ड्रीम पूरे होने चाहिए। अब जब कोई आपकी चिंता आपसे ज्यादा करने लगे तो सोचो फिर तो लाइफ में सक्सेसफुल हो गए ना। तो वो भी रीजन था, तो ऐसे ही सब चलता रहा। तो सर ने बोला कि बेटा एक ना हम जिम का एक कॉन्टेस्ट करा रहे हैं, वेरी स्मॉल कॉन्टेस्ट, बट यू कैन पार्टिसिपेट। मैंने कहा सर रहने दो, जहाँ बोलते तो देख तो लो, अभी तो जमा जमा 3 महीने हुए हैं। तो कह रहे नहीं नहीं तू कर सकता है बेटा। उन्होंने मुझे वो हिम्मत दी जिस हिम्मत से मैं एक स्टेज पे चढ़ सकता था। तो मैं कॉन्टेस्ट खेला और मैं कॉन्टेस्ट में चैम्पियन बन गया। वो जो जिम का कॉन्टेस्ट? जिम का कॉन्टेस्ट था, बट मुझे तो एक चैम्पियन का वो मिल चुका था, बट मुझे ये नहीं पता ये लेवल बहुत छोटा है। मैं तो फुल खुश। वो कप मेरे पास आज भी रखा है मेरे घर पे, जो मुझे सबसे पहले मिला था। और सबसे पहले मिलने के बाद जब मैं उसको घर लेके गया था, तो मेरे फादर के फेस पे मैंने स्माइल जो देखी थी कि मैं ऐसे ऐसे आज विन कर रहा हूँ, मेरे का बहुत अच्छी बात है और करो। वही कप जब मैंने किसी और को घर में दिखाया था ना, तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है कि ऐसी शील्डें तो बाजार में बहुत मिलती हैं, और ये शील्डें जो हैं शोकेस में रखी रह जाएंगी, तो पढ़ने लिखने पे ध्यान दो जो आपके लाइफ में काम आएगा। बट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद ये ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने सर को बोला मुझे मिस्टर सहारनपुर खेलना है, तो सर ने मुझे समझाया बेटा तुमने मिस्टर क्लब जीत लिया,
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस लेवल पे चले गए जहाँ पे तुम मिस्टर सहारनपुर खेल सको, तुम्हें अभी 8 से 9 महीने हुए वर्कआउट करते हुए। मैंने कहा नहीं सर मुझे तो खेलना है सर। अब वो एज ए बीइंग अ टीचर मेरा मोटिवेशन भी तोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा तुम खेलो कोई बात नहीं। मैंने 20-25 दिन प्रैक्टिस करी, मैं स्टेज पे चला गया। इतना भी ज्ञान नहीं था कि हमारी मम्मी ना एक नज़र का तागा बांध देती थी हमारे गले में ना, वो उसको पहन के ऐसे चढ़ा गया स्टेज पे मतलब। और सुनो कॉन्टेस्ट से 3 दिन पहले पूरे सराउंडिंग में ये बोल दिया कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ। अच्छा, मेरे डैड, उनके फ्रेंड, मेरे फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, इतने ज्यादा ऑडियंस मेरी आ गई वहां पे कि मुझे लगा ये तो मेरे ही है सारे तो घर के। और मैं चला गया स्टेज पे। सबसे पहले तो वहां पे जो जजेस बैठे थे उन्होंने मुझे बोला कि ये पहले तो ये उतारो, तो वो मैंने तोड़ दिया अपने हाथ से और वहीं फेंक दिया। सो एज बीइंग जो जजेस आपको जज कर रहे हैं वो बताएंगे ना आपकी फिजिक कैसी है, बट जब आप स्टेज पे चले गए और आप में इतना कॉन्फिडेंस है आपकी ऑडियंस है और तुम तो मुझे लगा मैं ही विन करूंगा, बट मैं टॉप 5 में नहीं आया भैया। टॉप 5 होते हैं, जैसे हर वेट कैटेगरी में 50 में से 5 निकालेंगे, दैट इज अ टॉप 5। मैं टॉप 5 में भी नहीं आया। तो जजेस ने मुझे बोला, मैं टैग नंबर तो भूल गया, एक्चुअली वो टैग नंबर देते जिससे आपका वो करते हैं, तो उन्होंने बोला टैग नंबर 10 आप ग्रीन रूम में जा सकते हैं। ग्रीन रूम होता है जहाँ पे आप कलर वलर लगा के प्रैक्टिस करते हो। मैंने कहा ग्रीन रूम में जा सकते हैं? मैंने पहली बार एक शब्द सुना था ग्रीन रूम में जा सकते हैं, क्योंकि दूसरा तो कॉन्टेस्ट था। मैंने कहा ये तो बहुत इंसल्ट की बात है, ग्रीन रूम में जा सकते हैं? फिर मैं लड़के गिनूं 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा बेटा छठा तो तू ही है। इतनी भी इतना समझने में 3 से 4 मिनट लग गए। तो जजेस ने मुझे बोला आपको सुनाई नहीं देता क्या, आपको बोल दिया आप ग्रीन रूम में जाए। और जब अगर एक्सरसाइज करते हुए तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा वो लेवल नहीं आया, तो तुम्हें किसने कहा इस स्टेज को? इट्स जस्ट बिकॉज एज ए बीइंग अ प्लेयर उस स्टेज की रिस्पेक्ट करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बाद में मुझे पता चला कि जब आप स्टेज पे जाते हो उस स्टेज के लायक तुम हो या नहीं हो। तुम्हें अगर उस लायक नहीं हो तो तुम्हें उस स्टेज पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट इज अ डिसरेस्पेक्ट बेसिकली। तो आपको ह्यूमिलिएशन फील हुआ? बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ मेरे लिए उस स्टेज से ग्रीन रूम में जाने एक एक कदम रखना ना, ऐसा हो गया भाई आज तो तू गया। हालांकि सबको पता है न्यू कॉमर है वो है, बट खुद को तो एक्सेप्टेंस नहीं थी ना फेलियर की, और सब जानने वाले भी और सब जानने वाले। तो मैं तो ग्रीन रूम में जैसे पैर रखूं वैसे आंसू निकले, दूसरा रखूं और ग्रीन रूम में जाते जाते तो मेरा इतना आंसू निकल गए। तो अच्छे डैड को पता था, डैड अंदर आ गए, उन्होंने समझाया कुछ नहीं होता लाइफ में फेलियर आते हैं। मैंने कहा ना मेरी तो आज मतलब मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी लाइफ खत्म होती। मैं बॉडी बिल्डिंग, और मुझे सबसे ज़्यादा पता प्रॉब्लम क्या थी, मुझे अगले दिन स्कूल जाना था भैया, और स्कूल में सोनूंगा फिर मुझे घर पे आना था उन बच्चों के साथ जिनके साथ मैं थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता था, ट्यूशन जाता था वहाँ से सुननी, और फिर एट लास्ट मुझे जिस जिम में जाना है सर से। मैं तो यार मैंने उस दिन अपना कमरा बंद किया अंदर से, ठीक है आज भी मुझे वो अच्छे सारा दिन याद है। एक टेबल फैन छोटा सा लगा के और मैं तो बहुत रोया, और मेरी मम्मी वो जो जंग जो विंडो होती है ना उसमें से बोली बेटा खोल दे दरवाज़ा रोटी खा ले। मैंने कहा मम्मी मैं तो नहीं खा सकता, मेरी इतनी इंसल्ट होगी ना मैं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। मम्मी ने कहा बेटा तू ऐसे क्यों सोचता है? उस दरवाजे को 4 घंटे तक कोई खुलवा नहीं पाया। आप रोते रहे? मैंने कहा मैं मुझे छोड़ दो अकेला, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, ना मैं स्कूल जाऊँगा, ना मैं जिम जाऊँगा, ना मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आप मुझे छोड़ दो। बट मेरे जो दादाजी थे ना उनका मेरे से कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, वो भी मुझे पहली बार फील हुआ। तो जब ये बात पूरे घर में फैल गई 20-30 लोगों में, तो मेरे दादाजी सबसे नीचे रहते हैं उनको भी उन तक भी वो बात गई। तो दादा ने पूछा क्या प्रॉब्लम होगी? तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। अब मुझे नहीं पता कि दादाजी अपने 6 पोते और 2 पोतियों में से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही करते हैं। वो भी बात वो ऊपर आए तो उन्होंने विंडो में से एक ही बात बोली दरवाज़ा खोल, और पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ से मुझे मैंने वो दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गया। कह रहे क्या प्रॉब्लम है तेरे को? मैंने कहा दादाजी ऐसे ऐसे मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है और मुझे तो बॉडी बिल्डिंग करनी है। कह रहे यार ये बॉडी बिल्डिंग का इसका कीड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया। तो कह रहे भाई हमें तो आती नहीं ना, हमने कभी सीखी, वो कैसे कर पाएगा? मैंने कहा वितेंद्र भैया को बोलो वो मुझे ट्रेन करेंगे, एज ए बीइंग इंडिया के सबसे अच्छे प्लेयर वही हैं।
सो उन्होंने वितेंद्र भाई को फ़ोन करा, भाई तू कहाँ है? उन्होंने बोला जी मैं फगवाड़ा में हूँ। तो उन्होंने कहा सहारनपुर कब आएगा? उन्होंने बोला अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं है। दादाजी ने उसके बाद एक ही बात बोली थी, संडे को यहाँ पे चाहिए घर पे। अच्छा, मेरे दादाजी और जो ऑब्वियसली उनकी बात तो काटने, संडे को भैया आ गए थे छुट्टी पे घर पे, और घर में वो बैठे हैं, मैं बैठे हूँ, डैड बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं। तो दादाजी ने एक ही बोला था, भाई इस लड़के को जो चाहिए ना इसको दे दे, और तू इस फील्ड में स्टार है, इसको इस फील्ड का स्टार बनना है। अब ये बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बात की बात है, बट इसकी क्या रिक्वायरमेंट है तो सुन ले। भैया ने मुझे कहा ठीक है तू एक काम करियो घर पे आ जाइए। सो मैं घर पे गया, भैया ने मुझे समझाया कि बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। उन्होंने मुझे बताया ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, उन्होंने मुझे बताया ऑल अबाउट वर्कआउट पैटर्न, उन्होंने मुझे बताया ऑल अबाउट सप्लीमेंटेशन, और उन्होंने उस दिन मेरे से एक सीक्रेट बात शेयर करी ऑल अबाउट स्टेरॉइड्स। तो उस उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा था, किस हद तक जाना चाहता है तू? मैंने कहा भैया या तो मैं जीऊँगा या मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा, अब आप बताओ। तो कह रहे बॉडी अच्छे लेवल पे जाने के लिए न्यूट्रो की आपको थोड़ा बहुत मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, अगर मर गया तो। मैंने कहा तो क्या हो गया, कम से कम ये जिंदा रहे कि ये शौक अचीव ना कर पाऊँ उससे तो बेटर है। भैया ने वो देख लिया, ये तो जिद्दी है, ये मानेगा नहीं। तो भैया ने कहा ठीक है। उस टाइम भैया के नाम से एक जिम खुल चुका था सहारनपुर में, मिस्टर एशिया वतेंद्रस मसलवेनिया। भैया ने कहा वहाँ आ जाते। तो वहाँ पे मैंने एक अच्छे उनके जो भैया ने उस लड़के को ट्रेन किया था, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। सो नेक्स्ट टाइम मैंने मिस्टर सहारनपुर में पार्टिसिपेट करा, सेम कॉन्टेस्ट बट नेक्स्ट ईयर, और मैं उसमें अपनी वेट कैटेगरी में नहीं ओवरऑल चैंपियन बना। और ओवरऑल चैंपियन मैं पता कैसे बना था, विदाउट एनी मतलब किसी से मेरा कंपैरिजन नहीं हुआ था स्टैंडिंग। हाँ, जब मैं स्टेज में आया था तो उनको लगा था ये तो मतलब जो स्टेट खेल रहा है ना ये स्टेट के लायक नहीं है, तो नॉर्थ इंडिया लेवल की फिजिक है भाई। क्योंकि उस ईयर में मैं क्या बन गया ना, तो मुझे पता समझ आई ना वितेंद्र भाई को समझ में आई, वो उस दिन समझ में आई जब मैं उस स्टेज पे आया। और ओवरऑल में भी कुछ मेरा कंपैरिजन ही नहीं था किसी के साथ, मैं चैंपियन बन गया। अगले दिन सब न्यूज़पेपर में, अमर उजाला, दैनिक जागरण में, न्यूज़पेपर में फोटो आ गई, मेरे स्कूल में सब ने देख ली, टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट करा हर चीज़। तो ये जो अटेंशन मिलनी शुरू हुई थी, नहीं ये अच्छी लग रही थी। अच्छी तो पहले नींद नहीं आती थी किस टेंशन से कि कब एक्सरसाइज करूँगा कब, और फिर इस खुशी में न्यूज़पेपर में मेरी फोटो आई है, मेरे डैड का नाम ये वो फौरन पूरा उन्होंने अच्छे से आर्टिकल दिया। जो मैंने अपने फादर की चेहरे पे जो खुशी देखी ना, क्योंकि हमारे तो खानदान में कभी किसी की फोटो न्यूज़पेपर में नहीं आई, और उसमें और वो सबसे ज्यादा मुझे पता है उस सब लाइनों में से वो अपना नाम पढ़ रहे थे बार बार। हर इंसान वही है, मैं अपना पढ़ रहा था वो अपना पढ़ रहे थे। तो बेसिकली क्या है कि वो जो फेम था उस फेम का मुझे नशा हो गया, और उस फेम के नशे की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया और ये हिम्मत आ पाई। उसके बाद मैं मिस्टर सहारनपुर बन गया, तो पूरे सहारनपुर में अच्छा वो हो गया। बट फिर यही है कि अंडर प्रैक्टिस भैया के रहता रहा, तो मिस्टर यूपी बना, वेस्टर्न यूपी बना, नॉर्थ इंडिया भी बना। बट उसके बाद जो बेस्ट थिंग हुई ना, दैट इज 2004। अच्छा, आज जो 33 साल का यतेंद्र सिंह आपके सामने बैठा है, 2004 में कितने साल का रहा होगा? 21 साल। अब एक 21 साल का लड़का स्टेट से अप्रूव्ड होके नॉर्थ इंडिया में आ जाता है, और नॉर्थ इंडिया से नेशनल के लिए सिलेक्शन हो जाता है, और सिलेक्शन कौन करती है? IBBF। अच्छा। उस दिन मुझे पहली बार पता चला, अच्छा IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, और जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। दैट मीन्स IBBF इज ओनली द ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया में अच्छे लेवल के कॉन्टेस्ट कराती है, और जिसके सर्टिफिकेट के बेस पे गवर्नमेंट जॉब्स लगती हैं। अच्छा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं आसाम गया कॉन्टेस्ट खेलने। 70 kg में मैंने नेशनल खेल रहा था फर्स्ट टाइम, बट 70 kg में मेरा गोल्ड आया, फर्स्ट आया मैं। तो 21 साल की उम्र में आप ऑलरेडी मिस्टर इंडिया बन गया था। तो जो मेरी लाइफ का जो बिग जो सबसे मेन इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट वही तब 2007 में मेरे साथ घटा, और शुरू में ही घट गया। तो उसमें इसकी हमारे पास ना उस लेवल के शूज नहीं होते, और उस लेवल का ट्रेनिंग इक्विपमेंट नहीं होते कि जिस लेवल पे आपको एशिया रिप्रेजेंट करने के लिए
अदर कंट्रीज में फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. सो और सहारनपुर जैसे शहर में आप इमेजिन कर सकते हो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा. सो बेसिकली क्या था, हम नंगे पैर स्क्वाट्स करते थे. अच्छा. अब नंगे पैर स्क्वाट्स क्या करते थे, हम पैरों की एडी के नीचे छोटी ना बारीक लकड़ी की फट्टी लगा देते थे जिससे कि पैरों की बैलेंसिंग ऐसे हो जो शूज वाली लेवल पे आए. तो अब उस टाइम जुनून भी बहुत था एक्सरसाइज का, मतलब वेट उठाने का. तो जब मैं स्क्वाट कर रहा था, संडे का दिन था, जिम में कोई था नहीं. शुरू में पहला सेट 50 लगाया, 100 किया, 150 किया, 200 किया, 260 पे जब मैं पहुंचा ना तो मुझे कहा कि अब मुझे किसी हेल्पर की जरूरत है. 260 केजी. तो ये जो जिम था वो सेकंड फ्लोर पे था और मैंने सेकंड फ्लोर बाहर आके नीचे झांक के जब देखा तो नीचे एक टिक्की की रेडी लगती थी जिस पे वो टिक्की तलता था. मैं उनके यहाँ छोटू था, मैंने उस छोटू को ऊपर बुलाया क्योंकि वो तो रोज मुझे देखता था आते जाते. उसने मेरी एक आवाज़ पे ऊपर आया, हंजी भैया. मैंने कहा बेटा तू एक काम, उस टाइम दिमाग इतना काम नहीं कर रहा कि ये क्या हेल्प करेगा, इसको तो पता ही नहीं है टेक्निक. तो वाइल यू डू स्क्वाटिंग ना, जो आपके पीछे सपोर्टर है वो आपके साथ ही बैठेगा और आपके साथ ही खड़ा होगा. अगर वो आपके बैठते हुए वो खड़ा रहा तो दैट मीन्स आप आगे गए. सो मैंने एक रैप किया, दूसरा रैप किया, तीसरे रैप में सबसे पहली बात तो वो फट्टी जो है वो मेरे ज्यादा प्रेशर से वो मेरे पैर के नीचे से निकल गई, फिसल गई. और वो लड़का इतना वो नहीं था कि जो बैलेंस कर पाता, तो वो जो मैं गिरा ना और वो लड़का मेरे ऊपर गिरा. उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ. हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली और एज सच इतना कोई बहुत ज्यादा दर्द मुझे फील नहीं हो रहा, तो मुझे यही समझ में नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या है. मैं इस स्टेज पे था कि जो इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज और एक होता है डिस्क डैमेज, कि वो इतनी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है कि जो फ्लूइड तो बाहर आ ही गया है, इतना नहीं सारा जो ऊपर की कैप है वो तो टूट के ब्लड ये भी टूट चुकी है, वो स्प्रिंग ही टूट चुका है. अच्छा. तो बेसिकली वो भी मुझे कैसे पता चला कि मेरा जो राइट पैर था ना वो हिलता ही नहीं था. मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, तो डॉक्टर ने उस टाइम मुझे बोला कुछ नहीं हुआ. वहां से एम्बुलेंस करके मुझे गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल में लेके आया जहां पे मेरे एक बहुत क्लोज अंकल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे. उन्होंने मेरा MRI कराया. उन्होंने बोला यार इसका तो बड़ा केस, इस बेसिकली क्या हो गया है, इसकी डिस्क स्लिप नहीं हुई है, इसकी जो चार डिस्क है ना वो टूट चुकी है, तो इसकी तो सर्जरी करना ही पड़ेगा. और सर्जरी करने में भी क्या होगा कि उन डिस्क को हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उस डिस्क को हम फ्यूज कर सकते हैं. फ्यूज इन द सेंस जो वो टूट चुके हैं उनको चिपका देते हैं वो, और जो जेल है वो सारा निकाल देते हैं. और जेल निकालने से क्या होता है आपका वो जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है वो चल जाता है. तो उस ड्यूरेशन में अब बट एज ए बीइंग अ फैमिली ये डिसीजन लेना कि सर्जरी करें क्या करें, बट डॉक्टर ने बोला था और कोई ऑप्शन नहीं है कि सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी. तब वही हुआ कि मेरी वो चार डिस्क फ्यूज की गई और उस जेल को बाहर निकाला गया. उस जेल को बाहर निकालने के तक भी मेरे इस लेग पे इतना इंपैक्ट आ चुका था कि ये काइंड ऑफ 90% वर्क करना बंद कर चुकी थी. क्योंकि अगर इसमें 10 घंटे में ये पूरी खराब हो जाती है और अगर 5 घंटे इसमें ब्लड नहीं गया तो इसके एक्शन में फर्क आ जाता है. ये बाद में मैंने पढ़ा मेरे साथ इंजरी होने के बाद कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. सो मैं उसके बाद ये था कि खुद से कुछ काम नहीं कर सकता था. अब एक लड़के के लिए जिसने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को दे दी, और बेसिकली क्या था, मैं उस टाइम फेम का एक नशा भी चख चुका था, वो भी गया. देन जो लोग हमेशा डीमोटिवेट करते थे उनको कहने को ये बात भी मिल गई कि हमने तो पहले बोला था इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग तो छोड़ो. ये लड़का भी गया, ठीक है. अब ये सोचो एक लड़के के लिए 18 महीने जो एक भी दिन बिना एक्सरसाइज के नहीं रहा, ठीक है, और अपना घर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि किसी की सुन नहीं सकता था, और अपना हॉस्टल इसलिए छोड़ दिया कि उसको लाइफ में कुछ बनना था, वो एक कमरे में कैसे रहा होगा 18 महीने. 18 महीने में मैं मैक्सिमम टाइम रोता था और अपने आप को बस किसी तरह सोचता था कि अगर मैं इस लेवल तक आ गया हूं तो भगवान ने कुछ सोचा होगा और मैं इससे ऊपर भी जाऊंगा. अब मैं भगवान की दुआ से पता नहीं कैसे ना कैसे थोड़ा ठीक होने लगा, इतना कि चल फिर सकूं. और बट
उस 18 महीने में मैंने इतना कुछ सुन लिया कि मैंने सोचा मैं अपना घर छोड़ दूंगा। तो मैंने तब ये जो हमारे एक भैया है, जब हम एक ग्रुप में बैठे हुए थे, वो मेरे से मिलने ही आए थे, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आए थे मेरे से मिलने 10-12, तो उन्होंने ही बताया कि मेरठ में एक ट्रेनर की जॉब है। तो वो किसी और को कह रहे थे कि तू वहाँ चला जा, पर मैं इस बात को सुन रहा था। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ और मैंने भैया को सबसे पहले कॉल किया, भैया मुझे भेज दो। भैया ने कहा यार तेरे तो इतना प्रॉब्लम है, और तू 2-2.5 हज़ार की नौकरी, 3 हज़ार की नौकरी करेगा क्यों? क्योंकि फैमिली तेरी इतनी अच्छी है, सपोर्टिव है। मैंने कहा नहीं भैया मुझे भेज दो प्लीज़। तो उन्होंने कहा ठीक है तू चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मेरठ में ऐसे ऐसे पीएल शर्मा रोड पे प्रवोक जिम है, वहाँ पे तेरे को जाना है। तो मैं उस कंडीशन में घर छोड़ दूँ, पेरेंट्स से अलाउ कैसे कराऊँ, क्या कराऊँ? बट पता नहीं क्या पेरेंट्स ने भी अलाउ कर दिया कि ठीक है, क्योंकि ना वो भी सुन ये हो चुका था कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सुन लिया था उस कंडीशन को। तो उन्होंने मुझे कहा मैं शाम को 4 बजे सहारनपुर से देरा बॉम्बे चलती है, मैं उस ट्रेन में बैठा और मैं मेरठ उतरा, मेरा एक हाथ में बैग था और मैं पहली बार अपने घर से कुछ करने के लिए बाहर निकल गया था। सो मैं वहाँ जिम पे गया। तो ये एक लड़का है सचिन त्यागी, आज भी मेरी फेसबुक प्रोफाइल में लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। सो इन्होंने कहा भैया चलो आपको जिम दिखा देता हूँ। उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना नहीं अलाउ नहीं था। मैंने देखा ये तो सेकेंड फ्लोर पर, पर मैंने कहा अब अगर मैं इसको अपनी कमजोरी बताऊं, मैंने वो बेल्ट बांधी हुई थी अंदर जो सपोर्टिव बेल्ट होती है, बट फिर भी मैं पकड़ पकड़ के चढ़ गया, ऊपर पहुंच गया, मैंने जिम देख लिया। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा मेरा रहने का इंतज़ाम? उसने कहा वो तो आप खुद ही करोगे ना, या आप एक काम करो यहाँ ना जिम में ही सो जाया करो। मैंने कहा यार ऐसे फैमिली का तो मैं हूँ नहीं कि जो जिम में ही सो जाऊँ। तो भाई मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ अपना ना। तो मैं वो बैग लेके पूरे पीएल शर्मा रोड पे, आज भी मुझे याद है, इधर से उधर और उधर से उधर घूमता रहा, किसी ने मुझे एक कमरा नहीं दिया रहने के लिए। सो अब कितने लोग इस बात को बिलीव करेंगे कि मैं एक बहुत अच्छे वेल टू डू परिवार का होने के बाद भी, इंजर्ड होने के बाद भी, आज मैं वो भी बात आपको बता देता हूँ कि मैं 7 महीने जो घरों के ऊपर टावर होते हैं ना भैया, एयरटेल वोडाफोन, उसमें एक रूम बना होता है छोटा, अब उस रूम में अगर मैं किसी को भी बोलूं सोने के लिए, मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे एक रात सो के दिखाए कोई उस रूम में, कितने ही गरीब परिवार का क्यों ना, क्योंकि मैं 5 फुट 5 इंच का लड़का उस रूम में पैर मोड़ के सोता था भैया। और सुबह जब मैं उठता था तो मेरे पैर नहीं खुलते थे, मेरे नीज लॉक हो जाते थे, क्योंकि सारा दिन जिम में मेहनत करने के बाद जब मैं सोता था तो मुझे यही नहीं पता होता था मैं कहाँ सोता हूँ, और सुबह जब उठता था तो पैर सीधे करने में मुश्किल होती थी, और जिस दिन लेग ट्रेन कर लिया उस दिन तो और भी ज्यादा दिक्कत। हमारे ना जापान से एक डॉक्टर आए हुए थे, जो कि एक अगेन कैरोप्रैक्टिक हेल्थ ग्रुप था, उन्होंने एक कैंप लगाया था, और वो कैंप इन्होंने लगाया था यहाँ पे इफ्को चौक में एक होटल है उसके अंदर। सो मैंने वहाँ पे दिखाया, उन्होंने मुझे बताया पहली बार लाइफ में कि मेरी जो स्पाइन की इंजरी है वो तो है ही, उसके बाद मेरी जो हैमस्ट्रिंग है और मेरे जो ग्लूट एरिया है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि वो मेरी स्पाइन को और संभाल नहीं पा रहे। तो उन्होंने मुझे बोला आपने कभी हैमस्ट्रिंग ट्रेन नहीं करी? हमारे जिम में हैमस्ट्रिंग की मशीन ही नहीं थी भैया। ओहो, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझाई, हाउ टू ट्रेन योर सेल्फ, कैसे करना है, और फिर मैंने खुद से भी कुछ कुछ पढ़ रहा था जब से इंजरी हो रही थी। तो फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू किया, और मैंने फ्लोर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करना, स्पाइन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करना, ग्लूट स्ट्रॉन्ग करना, उस तरह की एक्सरसाइजेस करनी शुरू कर दी। बट मैं आज बोल रहा हूँ कि मैंने कर दी, बट वो एक्चुअली क्या है, सब कुछ डिसाइडेड था। जब मुझे इंजरी होनी थी तो होनी थी, जब ठीक होनी थी तो ठीक होनी थी, बस मेरा एक टॉलरेंस पार चेक हो रहा था कि जिसके बिहाफ पे मुझे ये अचीवमेंट मिल पाए। देने वाला भी तो सबको नहीं दे सकता ना, हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ आबादी है, सबको वर्ल्ड चैंपियन थोड़ी बना देंगे। तो वो चंद लोग ही बन पाएंगे ना जिनका जिनकी कैपेबिलिटीज एंड टॉलरेंस पार एक नॉर्मल पर्सन के बियॉन्ड हो। तो वो चलता रहा, मेरी इंजरी पता नहीं ऑटोमेटिकली ठीक होने लगी, और फिर ना वो डिप्रेशन वाला फेज भी ख़त्म हो गया। और वो डिप्रेशन वाला फेज़ ख़त्म होने का
एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये था कि 2008 में जब से हमारे घर में नीलम आई थी, मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ का नाम नीलम है, तब से मुझे एक हिम्मत नीलम से भी बहुत मिली कि मैंने अपने आप को संभाल के रखा। तो इस बीच में आप वर्कआउट शुरू कर चुके थे या नहीं? मैं शादी के दौरान कोई वर्कआउट नहीं कर रहा था, बट हाँ शादी के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी वर्कआउट करने की हिम्मत जुटा ली थी। पता नहीं एक्चुअली क्या है, सिचुएशन कैसे बनती है, 2010 में मैंने कोई प्लान नहीं किया था मैं कोई कॉन्टेस्ट खेलूंगा, बट हाँ मैंने नॉर्मल वर्कआउट शुरू कर दी थी। हाँ मैं अगर जिम में आके 7 kg डंबल उठाता था, कब मैं वो 20 उठाने लगा और कब 30 उठाने लगा मुझे समझ में ही नहीं आया, और लोअर बैक का पेन कहाँ गया वो भी समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर मैं साइंस के हिसाब से एक बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर को अपना MRI आज भी दिखा दूँ ना, बोलते ये हो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं बोलता हूँ मैं कर तो रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो साइंस के बियॉन्ड होती हैं, जहाँ पे आप साइंस छोड़ के अपना ब्रेन जो है इतना ज़्यादा एक्टिव कर लेते हो कि वो आपको संभालने लगता है। तो वो आपके साथ हो रहा है, जब तक संभल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप करो। और बट अगर एज ए डॉक्टर मैं बोलूँ और इस साइंस के अकॉर्डिंग बोलूँ तो प्लीज़ मत करो। अच्छा, मैंने कहा प्लीज़ मत करो, मतलब कह रहे अभी तो आपके मसल स्ट्रांग है, जब आप ये एक्सरसाइज छोड़ोगे मसल वीक हो जाएंगे, 50 के बाद क्या करोगे? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 33 मेरी उम्र है, 17 साल और बोल रहे हैं, 50 के बाद जीना किसे है? क्योंकि अगर मैं ये 17 साल बिना एक्सरसाइज के रहा तो मेरे लिए तो 50 पकड़नी मुश्किल है, मैं तो पहले ही मर जाऊंगा। और अगर 50 में मैं 17 साल तो अपने बच्चों के लिए आने वाली जनरेशन में इतना कर जाऊंगा, उसके बाद तो वो अपने आप को इतना कैपेबल बना पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। तो मैंने कहा ये मत बताओ मुझे, मैंने कहा साइंस भी कहीं ना कहीं तो घुटने टेकेगी ना। तो ये हकीकत है, ये मैं बोलना भी चाहता हूँ, जहाँ आपका माइंड गिव अप कर देगा वहाँ समझो सब खत्म है। और अगर आपके माइंड ने एक बात नहीं सीखी गिव अप करना, तो दुनिया में आपको कोई ताकत नहीं है जो रोक पाए, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इतना डिटर्मिनेशन आप में था? हाँ ना, डिटर्मिनेशन तो था ही, अपने ऊपर इतना विश्वास था कि भगवान मुझे, मेरे से इतना खफा नहीं हो सकता कि जो मुझे, सिर्फ क्या मांगा मैंने, मैंने कुछ नहीं मांगा भैया, मैंने कोई बड़ी गाड़ी, मैंने कोई बड़ा घर, मैंने कोई बहुत ज़्यादा कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं मांगी, मैंने सिर्फ क्या मांगा, यतिंदर सिंह नीचे ब्रैकेट में वर्ल्ड चैंपियन, यही तो मांगा है, नाम के सामने वर्ल्ड चैंपियन लगा दो, अगले दिन मुझे बोल दो कि और तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो वो नाम इतना भारी है जिसके सामने दुनिया की हर चीज़ बहुत छोटी है, और मैंने हर चीज़ त्यागने की हिम्मत रखी है। अगर आज भी मुझे बोलो ना एक पलड़े में इतना कुछ है और एक पलड़े में वर्ल्ड, मैं तो बोलूँ भाई मेरा ये टाइटल ही ठीक है, क्योंकि जब मैं मरूंगा, जब मैं आंखें बंद करूंगा, अपनी आखिरी सांस ले रहूंगा, तो एक ही बात की खुशी होगी कि मैंने इस जन्म में जो सोचा वो ही करके जा रहा हूँ, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जा रहा हूँ कि जिस आने वाली जनरेशन जब 15-20 साल तक ये डिसाइड कर रही होगी मुझे IPS IAS इंजीनियर पुलिस में जिसमें भी जाना है, और जो उसको उस बोलेंगे कि तू नहीं बन सकता, तो वो एक ही बात बोलेगा यतिंद्र भैया आधी स्पाइन खराब होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, तो मैं IPS तो बिल्कुल आराम से बन जाऊंगा। भैया 2015 चढ़ते ही मुझे नहीं पता मैं कितने टाइटल जीत गया, इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप, अब वो भी लास्ट ईयर भी थाईलैंड में हुई थी चैंपियनशिप 2015 में, और मैं 4th आया था, और मेरी फिजीक बहुत उस लेवल की भी नहीं थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं, बट 2015 में मेरी फिजीक में चेंज आने लगा, और वो चेंज लोग मुझे देख के बोलते हैं जो मेरे कि आपने भैया बहुत मेहनत करी आपको नहीं पता, बट मुझे लगा इतनी तो नहीं करी, वो ठीक करी है, बट फोकस था बड़ा। तो वो थाईलैंड गए वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और मेरा वहाँ पे सिल्वर मेडल आया, ऑल दो जो फर्स्ट आया था वो भी इंडियन था, और वो 4th बार सेम वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बना था, इनका नाम है बॉबी सिंह, सो वो बहुत सीनियर है। जब वो सब नेशनल एंथम बजा ना और सब खड़े हुए सारे लोग, सो ऐसा लगा कि अच्छा इसीलिए इस दिन के लिए मुझे मैं इतना सेक्रीफाइस कर रहा था,
और अगर आप पूछो कि वो सेक्रीफाइस बड़ा है या वो तिरंगा झंडा लेके खड़े होना, वो सेक्रीफाइस तो कुछ भी नहीं है। जब आप बाहर की कंट्री में अपना नेशनल एंथम सुनते हो ना और तिरंगा आपके हाथ में होता है, सो इट बी फील लाइक कि बस आज तो खत्म हो गई, मतलब आपकी लाइफ का एंड हो गया। वो असली चीज कौन समझ सकता है? एक स्पोर्ट्समैन समझ सकता है। अगर आपको एक मैसेज देना हो यूथ को, तो आप क्या दोगे? सो मेरी तरफ से तो यही मैसेज है कि गिव अप करना जो है ना, वो बहुत इजी होता है। कि आप हथियार तो कहीं भी डाल सकते हो या कहीं भी हार मान सकते हो, बट इंसान को इतनी तो जिद्दी होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में गिव अप ना करें, थोड़ा पेशेंस रखे। क्योंकि द थिंग इज कि अगर आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है ना, यू नीड टू हैव अ पेशेंस कि आप कितना पेशेंटली उस काम को करते हो। क्योंकि आज शुरू किया तो कल नहीं मिलेगा, आज शुरू किया तो मे बी अगले महीने मिले या उससे अगले महीने मिले, बट आपका दृढ़ निश्चय यही होना चाहिए कि मिलेगा जरूर। सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन स्टोरी टेलर्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, और मैं उस यूथ से कनेक्ट कर पाऊँ जिनके लोगों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और स्टोरी टेलर के थ्रू अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सो थैंक यू सो मच।